रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। ओपन योर वर्कबुक टू केजी क्लास स्पिरिट जॉलीफोनिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू अबाउट लॉन्ग वोवल साउंड्स। प्रीवियस लेसन में आप लोगों ने शॉर्ट वोवल साउंड्स के बारे में पढ़ा था, आज आप लॉन्ग वोवल साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। लॉन्ग वोवल साउंड्स कौन से होते हैं? लाइक ए आई, ए आई का साउंड क्या है? आई। ये क्या वर्ड है? स्नेल, स्नेल। ये ऐसे आप लोगों ने राइट करना है। डबल ई का साउंड है ई। शीप, शीप। फ्राइज, फ्राइज। आई ई का साउंड है आई। रोस्ट, रोस्ट। ओ ए का साउंड क्या है? ओ, ओ। टिश्यू, टिश्यू। यू ए का साउंड क्या है? ऊ। नेक्स्ट पेज इज लॉन्ग ए आई। द साउंड आई इन द वर्ड स्नेल इज अ लॉन्ग ए साउंड। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द वर्ड्स विद आई साउंड। इन पिक्चर्स को देखें और आप लोगों ने ये वर्ड्स कंप्लीट करने हैं आई साउंड के साथ, ठीक है? ये उन्होंने वर्ड्स दिया हुआ है आर, इसके साथ आप लोगों ने आई साउंड लगाना है और ये वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? आर ए आई एन, क्या वर्ड बन गया? रेन। आर ए आई एन, रेन। नेक्स्ट वर्ड इज एन ए आई, राइट किया एन। नेल, क्या वर्ड बन गया? नेल। ऐसे ही आप लोगों ने ये बाकी वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। कलर द सर्कल अंडर द करेक्ट स्पेलिंग। आप लोगों ने कलर करना है जो करेक्ट स्पेलिंग है, जो स्पेलिंग सही है। ये रेन है, रेन दिया हुआ है उन्होंने। रेन के स्पेलिंग क्या है ये ऊपर देखे, आर ए आई एन, रेन। आप लोगों ने ये देखे आर ए आई एन, रेन। इस सर्कल में आप लोगों ने क्या करना है? कलर। नेक्स्ट वर्ड इज टेल, ये देखें टी के स्पेलिंग क्या, टेल के स्पेलिंग क्या है? टी ए आई एल, टेल। ये देखें टी ए आई एल, टेल। इसमें आप लोगों ने कलर करना है, बाकी वर्ड्स भी आप लोगों ने ऐसे ही कंप्लीट करने हैं कलर करके। नेक्स्ट पेज इज टू बिल्ड एंड राइट वर्ड मैच विद द करेक्ट पिक्चर। ये आप लोगों ने वर्ड्स यहाँ से उठाने हैं, यहाँ पे राइट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वर्ड क्या है? एयर, ए आई आर, एयर। क्या वर्ड है? एयर। अब आप लोगों की पिक्चर शो हो रही है, ठीक है? इसमें देखें एयर वाली पिक्चर कौन सी है, ये वाली। ये देखिए एक गर्ल फैन से हवा ले रही है ना, ठीक है? इसको आप लोगों ने, इस वर्ड को इस पिक्चर के साथ आप लोगों ने ऐसे मैच कर देना है। नेक्स्ट वर्ड इज वेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये वर्ड राइट करोगे डब्ल्यू ए आई टी, वेट, ठीक है? वेट मतलब होता है इंतजार करना। अब इस ये पिक्चर शो हो रही है आप लोगों को, इस पिक्चर में देखें वेट कहाँ पे, ठीक है? ये देखें ये मैन बैठा हुआ वेट कर रहा है, ठीक है? आप लोगों ने इसको, आप लोगों ने इसके साथ मैच कर देना है। ये आप लोग जब यहाँ पे वर्ड राइट करोगे तो ये प्लस का साइन नहीं आएगा इसमें। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन अबव, ठीक है? आप लोगों ने ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं इनमें से वर्ड्स यूज करके, ठीक है? गो एंड प्ले इन द फ्रेश एयर, जाओ और खेलो ताज़ा हवा में। हवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एयर, एयर। यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? एयर, ए आई आर, एयर, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस है जी, द डैश इज फुल ऑफ वाटर, द फेल इज फुल ऑफ वाटर, पी ए आई एल, फेल इज फुल ऑफ वाटर। बाकी भी ऐसे ही आप लोगों ने वर्ड्स यूज करके ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, ठीक है? अनसक्रैम्बल एंड राइट द करेक्ट वर्ड। ये देखिए अनसक्रैम्बल दिया हुआ उन्होंने, ठीक है? ये जो कश्मकश की हालत में वर्ड्स होते हैं, और आप लोगों ने इनको तरतीब से लिखना है, ठीक है? आई आर ए दिया हुआ उन्होंने, आप लोगों ने इनको तरतीब से लिखना है। ये वर्ड क्या बन रहा है? एयर बन रहा है। सबसे पहले क्या आएगा? ए आई आर, एयर। ऐसे ही ये आप लोगों ने राइट करना है। नेक्स्ट पेज इज थ्री है आप लोगों का, बिल्ड एंड राइट वर्ड्स मैच विद द करेक्ट पिक्चर। सेम एज इट आप लोगों ने ये भी ऐसे ही सोल्व करना है, ठीक है? ये सबसे पहले उन्होंने ये वर्ड दिया हुआ है स्टेन, स्टेन को आप लोग यहाँ पे राइट कर लोगे एस टी ए आई एन, स्टेन, ठीक है? अब ये पिक्चर्स आप लोगों को शो हो रही हैं, ये पिक्चर्स आप लोगों को शो हो रही हैं, ठीक है? आप लोग इसमें से देखें स्टेन कौन सा है, दाग। स्टेन किसको कहते हैं? दाग को कहते हैं, ठीक है? ये देखें ये शर्ट बनी हुई है और उसके ऊपर ये दाग एक लगा हुआ है। आप लोगों ने ये स्टेन को इस शर्ट के साथ, इसके साथ मैच कर देना है इसके साथ, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड इज अ नेल,
नेल मीन्स क्या होता है, एन ए आई एल, नेल। नेल मीन्स क्या होता है, कील। ठीक है, आप लोगों ने नेल को इसके साथ, नेल के साथ मैच कर देना है। ऐसे ही आप लोगों ने बाकी भी वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट है जी, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन अबव। ऐसे आप लोगों ने ये सेंटेंसेस भी कंप्लीट करने हैं इन वर्ड्स को यूज करते हुए। हिट द डैश विद द हैमर, हिट द नेल विद द हैमर। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने बाकी ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। अनस्क्रैम्बल एंड राइट द करेक्ट वर्ड, ये अनस्क्रैम्बल उन्होंने दिया हुआ है, आप लोगों ने ये वर्ड्स को तरतीब दे के यहाँ पे राइट करना है। ये है जी एन ए आई पी है, आप लोगों ने इसको तरतीब देना है। सबसे पहले आएगा पी ए आई एन, ये क्या वर्ड बन गया है, पेन। ऐसे आप लोगों ने ये वाला वर्ड राइट करना है, तरतीब दे के लिखना। लॉन्ग ए आई, द साउंड आई इज इन द वर्ड प्रे इज अ लॉन्ग ए साउंड। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द वर्ड्स विद ए आई साउंड। ठीक है, ए आई का साउंड क्या है, आई। ठीक है, ये जैसे लाइक ये वर्ड है ट्रे, ट्रे ए, इसका साउंड क्या है, ए वाई यहाँ पे राइट होगा, तो ये क्या बन गया, ट्रे। स्प्रे, ए वाई साउंड लगाया तो ये वर्ड कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्प्रे, ट्रे, स्प्रे, हे, ये जो घास होती है ना सूखी उसको हे कहते हैं, हे। ऐसे आप लोगों ने ये नीचे वाले वर्ड्स भी कंप्लीट करने हैं। अनस्क्रैम्बल एंड राइट द करेक्ट वर्ड, ये भी अनस्क्रैम्बल वर्ड्स दिए हुए हैं इन्होंने। ठीक है, उन्होंने आप लोगों ने इनको तरतीब से लिखना है। वाई ए एच लिखा हुआ है ना, आप लोगों ने इनको तरतीब दिया, ये वाला वर्ड उन्होंने लिखा हुआ है, हे। सबसे पहले आएगा एच ए वाई, ठीक है, हे, ये दिया हुआ है आर टी ए वाई, ये तो कोई वर्ड नहीं बन रहा। ठीक है, इसको आप लोग तरतीब से राइट करोगे, ये देखें ये वाला वर्ड उन्होंने दिया हुआ है टी आर ए वाई, ट्रे। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने ये सारे वर्ड्स कंप्लीट करने हैं तरतीब देके। बिल एंड राइट वर्ड्स मैच विद द करेक्ट पिक्चर, ठीक है, ये भी उन्होंने ये वर्ड्स दिए हुए, आप लोगों ने इसको करेक्ट पिक्चर के साथ मैच करना है। ठीक है, ये देखें, ये पहले भी आप कर चुके हैं। सबसे पहले वर्ड है फे, पी ए वाई, फे। ठीक है, अब देखें ये आपको पिक्चर शो हो रही है, ये आप लोगों को पिक्चर शो हो रही है। ठीक है, ये वर्ड क्या है, पे। इसमें देखें पे कौन सा है, कौन सी पिक्चर, ये वाली। ठीक है, आप लोगों ने इस पे को इसके साथ मैच कर देना है। नेक्स्ट वर्ड इज है टुडे, टी ओ डी ए वाई, क्या वर्ड बनेगा, बनेगा टुडे। ठीक है, टुडे इसमें से देखें फ्राइडे, ये वाला, इसके साथ आप लोगों ने मैच कर देना है। ऐसे बाकी वर्ड्स आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड गिवन अबव, ठीक है, आप लोगों ने ये सेंटेंसेज कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए। फर्स्ट वर्ड क्या, फर्स्ट सेंटेंस क्या है आप हमारा, माय बर्थडे इज इन द मंथ ऑफ, ये देखिए माय यहाँ पे आ जाएगा, माय, माय पेरेंट डैश माय स्कूल फी, फे। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने बाकी भी सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टे होम, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।